हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने आया हूँ, जो आप मुझसे गेट के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। जैसे कि इसका एग्ज़ाम अब आने ही वाला है, तो उसके बाद से आपने कई क्वेश्चन हैं जो मुझसे पूछ लिए हैं, तो आज मैं उन सब क्वेश्चनों के आंसर आपको दूंगा। और जो भी डाउट आपके मन में चल रहे हैं, आज उन सबको मैं क्लियर करता हूँ। और आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप गेट के बचे हुए दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पूछ रहे हैं कि एप्टीट्यूड सर करना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये कहूँगा, देखिए अगर आपने एप्टीट्यूड शुरू से किया है तो आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए। अब अगर आपने एप्टीट्यूड नहीं किया है तो प्लीज़ अब आप एप्टीट्यूड को मत छुए, मतलब अब आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन पूरी कर सकें। अगर आपको एप्टीट्यूड देखना भी है तो आप सिर्फ फॉर्मूले देख लें या प्रीवियस ईयर में आपको जो एप्टीट्यूड दिख रहा है सिर्फ उन्हें देख के चले जाएं, और ये आपके 5 to 7 मार्क्स एप्टीट्यूड में वैसे भी आ जाते हैं, तो बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। सेकेंड है, मैं आपको यहाँ पे ये सलाह देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो भी आपके बचे हुए दिन हैं उसमें आप ना रिवाइज़ ही करें एग्ज़ाम आने तक, मतलब आपने जो भी पढ़ा है उन सब कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करें, जो भी गलतियाँ आपने की हैं उनको आप देख लें, और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि इस लास्ट टाइम में अब ना आप किसी नए टॉपिक में जाएं, ना आप किसी नए चैप्टर को पढ़ें, और ना आप ये सोचें कि गेट में जो टॉपिक ऐड हुए हैं कि आपने पढ़े कि नहीं पढ़े तो उनको पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ आप उसको भी स्किप कर दें। अगर आपने कोई चीज़ पहले ही पढ़ ली है तो ठीक, पर अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा, इस बात का ध्यान रखें। थर्ड, रिवाइज़ करते समय आप इस बात का ध्यान रखें आपको फिजिकल के फॉर्मूले बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, और साथ में अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ उन सवाल की जिनको आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने मोबाइल में गेट कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें और उससे आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें ताकि आप गेट के एग्ज़ाम वाले दिन उन सवालों को अच्छे से कर पाएँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। सो फ्रेंड, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अनअकैडमी लाया है आपके ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022, जिसमें आपको एवरी संडे एक टेस्ट देखने को मिलेगा और ये टेस्ट आपके 30 जनवरी तक चलेंगे। और इसकी खास बात यह है कि इसमें ऑल इंडिया रैंक और आपके टेस्ट का एनालिसिस और वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। साथ में आप गेट का मेगा कॉम्पैक्ट टेस्ट दे सकते हैं जो एब्सोल्युटली फ्री है, जिसकी नेक्स्ट डेट है 23 जनवरी 11 AM पर। और इसमें अगर आप 200 लकी पार्टिसिपेंट बनते हैं तो आपको सैमसंग टैब, एप्पल आईपैड जैसे एक्साइटिंग गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ अनअकैडमी आपके लिए एक फ्री प्रोग्राम लाया है एंड गेम, जिसमें आप ESE 2021 इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप नेक्स्ट गेट को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं फॉर गेट 2023 से 2024 के लिए फ्रॉम 19 जनवरी। इस बैच की खास बात यह है कि आप इसमें लाइव डाउट पूछ सकते हैं बाय जस्ट रेजिंग योर हैंड। उसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने मोबाइल से भी पूछ सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग द पिक्चर। तो आप इन सब बैच को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी का मेगा ऑफर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, और यही सेम केस आपको 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन में प्लस 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो यानी यहाँ पे आपको ओवरऑल 23% का ऑफ मिलेगा। तो इस ऑफर को ग्रैब करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं प्रदीप रावत 10, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में अगर आप एन अकेडमी का एनी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा बनते हैं तो आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म में जुड़ने का मौका मिलता है, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल मेंटर प्रोवाइड होगा आपकी सभी प्रकार की हेल्प के लिए। और ये कुछ स्पेशल फीचर्स है क्लास के, जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लास का, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, और ये क्लास आप कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए, जिसमें आप अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये था कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है गेट के पेपर में, कि आपको सबसे कम नेगेटिव करना है, यानी आप ये अभी से याद कर लीजिए इस बात को या कहीं लिख लीजिए, और रोज़ उसे देखिए कि आपको नेगेटिव सबसे कम करना है। अगर आपको गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या अच्छे मार्क्स लाने, तो इस चीज़ में आप तो इस चीज़ को आप याद रखें कि आपको नेगेटिव कम से कम करना है। सेकेंड पॉइंट है इसी में कि जो भी क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है उनको आपको सारे अटेम्प्ट करने, चाहे वो आपको आता हो या नहीं, मतलब आपको जितने भी तुक्के मारने वो मार सकते हैं आप उनमें,
जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप ऐसे ना करें कि आप छोड़ के आ जाए कि हाँ इसमें कैलकुलेशन था, मुझे समझने नहीं आया। आपको देखिए कुछ नंबर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी शेयर की है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसमें मैंने जो टिप्स दिए हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है आप उन क्वेश्चनों को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे या उनमें एक सही तुक्का मार पाएंगे जो आपको नहीं आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, आप इस चीज़ को याद रखें कि आपने दिमाग में बिल्कुल भी आपको गेट का डर बना के नहीं चलना है। जब भी आप पेपर देंगे तो याद रखना, ये आपको दिमाग में रखना है कि गेट का पेपर इजी होता है, इजी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाई करना। इसीलिए अगर आपने अभी फिलहाल में तैयारी करना स्टार्ट की है या आपको तैयारी करते हुए 3-4 महीने ही हुए, तो भी आप याद रखें कि आप गेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जनरली क्या होता है, आप डर के जाते हैं तो आप पेपर से डर जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है और आप पेपर को अटेम्प्ट भी थोड़ा गलत तरीके से करते हैं, तो इसीलिए आप 1-2 मार्क्स से या ज़्यादा मार्क्स से भी रह जाते हैं। पर अगर आप पहले ही सोच के जाएंगे कि गेट का पेपर ईजी होता है, सिर्फ आपको पेपर अटेम्प्ट करने पर ध्यान रखना है और जो भी आपने प्रिपरेशन करी है उसको सही से यूटिलाइज करना है, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। पॉइंट है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि गेट का पेपर क्या 2 सब्जेक्ट से हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल 2 सब्जेक्ट से आपका गेट का पेपर हो जाएगा। आप कोई भी 2 सब्जेक्ट को अगर लेके चल रहे हैं तो आप उन्हीं को लेके चलें और लास्ट मोमेंट में आप कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढ़ें, और चाहे वो 2 सब्जेक्ट हो और चाहे वो 3 सब्जेक्ट हो, आपको बस उन पे ध्यान रखना है कि आपने जो पढ़ा है उसे ही आपको रिवाइज करना है। 7th पॉइंट है, अगर मैं सबसे ज़रूरी बात आपको बताऊं पेपर अटेम्प्ट करने पे ही, कि अगर आप पेपर को पहचान गए ना तो आपका पेपर ज़रूर क्वालिफाई होगा। अब पेपर को पहचानने से मतलब ये है कि आपको ये रियलाइज कर लेना है पेपर देखते ही या पेपर पूरा पढ़ते ही कि पेपर इजी आया है, मीडियम आया है या हार्ड आया है, मतलब आपको कितना अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मानो कि पेपर बहुत हार्ड आया और आप सोच के चले कि बस मेरे को 40 मार्क्स लाने ही लाने और आप देखें कि आप 30 भी नहीं ला पाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको पेपर को एनालाइज करना अच्छे से आना चाहिए, और वो कैसे होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से देखे हैं और उनको एनालाइज किया है तो आप देख पाएंगे कैसे पेपर में कितनी कट ऑफ आती है। और वैसे इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, उसे आप देख लीजिएगा तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कौन से पेपर में आपको कितने मार्क्स लाने। लास्ट कुछ प्रो टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है गेट के पेपर में। पहला तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ बहुत वाइजली करना है, मतलब आप ध्यान रखें कि आपको कैलकुलेटर की प्रैक्टिस आप घर से ही करके जाएं या अभी से ही करके जाएं, ताकि आपको पता होगा कि किस बटन से कौन सा फंक्शन यूज़ होता है। इन चीज़ें जब भी आप गेट का पेपर सॉल्व करें तो ऑप्शन में ज़रूर ध्यान दें। कभी कभी क्या होता है कि सही क्वेश्चन को भी हम गलत कर देते हैं, ऑप्शन में ध्यान नहीं देते, और या कभी कभी कोई क्वेश्चन हम कर सकते हैं अगर हम ऑप्शन से भी जाएं तो उसे भी हम मिस कर देते हैं। तो याद रखना गेट के पेपर में ऑप्शन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो ऑप्शन में आप ज़रूर ध्यान दें चाहे वो क्वेश्चन आपको आता हो चाहे नहीं। तो यानी आपको हर ऑप्शन पढ़ना है गेट के पेपर में। थर्ड है, NET के पेपर में जब भी आप सॉल्व कर लें तो कन्वर्जन ज़रूर देख लें, यूनिट कन्वर्जन, मतलब क्वेश्चन में भी यूनिट कन्वर्जन दी हो सकती है या आपको आंसर में यूनिट कन्वर्जन पूछी हो सकती है। जैसे कि मानो आपको सेकंड में क्वेश्चन दिया हो और आर में आंसर पूछा हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि NET के क्वेश्चन में विदाउट कन्वर्जन का सवाल आ ही नहीं सकता फिजिकल में। अगर 10 क्वेश्चन आए तो आपको 4 क्वेश्चन में कन्वर्जन मिलेगी ही मिलेगी, तो कन्वर्जन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है गेट के पेपर। फोर्थ टिप है आपके लिए, जैसे कि आपको पता है गेट में MSQ है, तो MSQ में मैं आपको ये कहना चाहूँगा अगर किसी भी ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ अबव दिखे तो उसको आप ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि वो ठीक हो सकता है। और साथ में अगर कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा मिले जो आपने पढ़ा नहीं है, जिसका आपको आइडिया नहीं है, तो भी आप टिक लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है कि वो ऑप्शन ठीक होता है। यानी MSQ में या अगर आपको तुक्का लगा तो यानी MSQ में अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप उन पॉइंटों को कंसिडर कर सकते हैं जो आपने नहीं पढ़ा, कि वो कहीं ना कहीं से किसी बुक की लैंग्वेज होते हैं या बहुत छोटा कहीं लिखा होता है तो उसको ऑप्शन में डाल देते हैं। तो ये मैं आपको तब के लिए बता रहा हूँ जब आपको आइडिया ना हो। लास्ट चीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपने पूरे साल मेहनत करी है, तो मुझे लगता है आप अच्छा ही करेंगे। और आप ये पूछते हैं कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा इसका आपको पता है कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है, मतलब आप 6 घंटे पढ़ लेते हैं अच्छा, या 8 घंटे में पढ़ लेते हैं, 10 आवर्स में पढ़ लेते हैं, तो ये सब आप जानते हैं। और बाकी मैं ये कहूँगा जो भी आपने पूरे साल फॉलो किया है उसे ही आप लास्ट मोमेंट में भी फॉलो करें तो आप बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। और मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।